Assalamu alaikum, dear friends. My name is Hafsan. I read in class 4 Echo. I will tell you about the earth in space, movement of earth. There are two types of movement of earth. First, rotation and second, revolution. Hamara sun mashriq se nikalta hai aur maghrib mein ghuroob hota hai. Actually, hamara suraj nahi ghoom raha hota, hamari earth suraj ke gird ghoom rahi hoti hai. Next, axis. The imaginary line on which Earth spins is called axis. हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर थोड़ी तिरछी घूमती है. ये 24 एंगल पर तिरछी घूमती है. नेक्स्ट, रोटेशन. द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस इन एन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन. और इसके नतीजे में डे और नाइट बनता है. जब अर्थ का सामने वाला हिस्सा सूरज के नज़दीक होता है वहाँ पर डे होता है, और जो सूरज के मुखालिफ सिंध पे होता है वहाँ पर नाइट होती है. जो अर्थ का सामने वाला हिस्सा सूरज के नज़दीक है वहाँ पर डे है, और जो सूरज की मुखालिफ सिंध में है वहाँ पर रोशनी नहीं जा रही, वहाँ पर नाइट है. नेक्स्ट, रेवोल्यूशन. एज आर स्पिन ऑन इट्स एक्सिस इट आल्सो मूव अराउंड द सन. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. अर्थ सूरज के गिर्द घूमती है और अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है और अर्थ सूरज के गिर्द भी घूमती है. इसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं. रेवोल्यूशन के नतीजे में सीजन्स बनते हैं. अर्थ 365 डेज में अपना एक ऑर्बिट मुकम्मल करती है, और ये एक साल के बराबर होता है. और लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, और लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है. 365 डेज हो जाते हैं. नेक्स्ट, ऑर्बिट. द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ऑन अ फिक्स्ड पाथ. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ऑर्बिट. अर्थ सन के गिर्द घूमती है और मून अर्थ के गिर्द घूमता है एक मखसूस रास्ते पर, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं. सीजन्स. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीजन्स. समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग. जब अर्थ का नॉर्थ पोल सूरज के मुखालिफ सिंध में होता है वहाँ पर विंटर होता है, और जो सूरज और साउथ पोल सूरज के सामने होता है वहाँ पर समर होता है. जब अर्थ घूम कर सूरज के सामने जाती है वहाँ जब सूरज का नॉर्थ पोल सूरज के जब अर्थ का नॉर्थ पोल सूरज के सामने होता है वहाँ पर समर होता है, और जो अर्थ का साउथ पोल सूरज के मुखालिफ सिंध में होता है वहाँ पर विंटर होता है. थैंक्स.